بسم الله الرحمن الرحيم. अगर आदमी को नमाज पढ़ते हुए यानी जमाइयाँ आ रही हैं, हाथ रख सकता है मुंह के आगे रोके उसको? पहले तो कोशिश करें कि हाथ रखने के बगैर उसको रोके. जिन्नात में भी लोग बड़े बड़े ऊंचे मकाम के गुजरे हैं और अब भी हैं. ये तो नहीं कि जिन खत्म हो गए, अब भी जिन हैं, वो भी क़यामत तक रहेंगे. उस इंसान भी रहेंगे, जिन भी रहेंगे. अच्छा, अब ये एक मसला है कि क्या जिन्नात जन्नत में जाएंगे? हाँ जाएंगे. बाद लोग कहते हैं कि नहीं जाएंगे, बस अल्लाह को दुनिया में नहीं, वो भी जन्नत में जाएंगे. लेकिन ला शक का भी तालिक उनकी जन्नतें अलग होंगी, इंसानों की जन्नतें अलग होंगी और अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएंगे. इसी तरह जिन्नात जो है इनमें तवालुद और तनासुर भी होता है, यानी बच्चे भी पैदा होते हैं, शादियाँ भी होती हैं, औलाद भी इनकी होती है. तो उनमें तवालुद भी है, तनासुर भी है, उनमें इल्म भी है, तअल्लुम भी है. और इससे बड़ा क्या मकाम होगा कि हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. एक और आलिम ने किताब लिखी है, अल मरजान फी अहकामिल जान, उसमें उसने सारे वो वाकया जिक्र किए हैं जब जिन हुजूर की खिदमत में आए सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही वसहाबी वसल्लम. कहते जी मेरे दोस्त की शादी होनी है, उसको सब चीज़ बता देनी चाहिए कि पहली रात क्या होता है. वो इंशाल्लाह तुमसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा साबित होगा, कोई फिक्र नहीं. तुम्हारे ज़िम्मे यही है बाकी, ना तुम नमाज सिखाते हो ना रोज़ा सिखाते हो, लोगों को यही सिखाते हो कि पहली रात क्या करना है. वाह भाई वाह, बड़ा इल्म हासिल किया. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. और क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं अल्लाह का अजाब है, वो सब सीख जाएंगे, तो गम ना करो. बात कहते हैं कि शादी की रात आदमी जिमा नहीं करना चाहिए. ये तुम जानो, और ये जितने जिमा के मसले हैं ना, ये कोका पंडित से पूछा करो, मुझसे तो ना पूछा करो. इसका इस्लाम से या दीन से तो कोई ताल्लुक नहीं है. उसकी बीवी है चाहे पहली रात मिले चाहे बाद में मिले,